अगर आप भी हैं चाय के शौकीन और चाय पीना नहीं छोड़ सकते हैं तो इन बातों का रखें ध्यान, सेहत के लिए बेहद है जरूरी। आज के इस आधुनिक युग में हमारे दिन की शुरुआत चाय के साथ होती है और चाय आज के समय में लगभग ज़्यादातर लोगों के जीवन का हिस्सा बन गया है। रोज़ सुबह उठते चाय, नाश्ते में चाय, ऑफिस दुकान में जाने के बाद चाय, खाना खाने के बाद चाय, शाम में चाय, रात में चाय का सेवन करते हैं। ऐसे में एक दिन में बहुत सारे लोग कई कप चाय पी जाते हैं। चाय पीना आपके लिए भले ही शौक हो लेकिन ये आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक भी हो सकती है, लेकिन आपको चाय पीने की आदत बन गई है और आप चाय पीना नहीं छोड़ सकते हैं तो आयुर्वेद चिकित्सक से जाने किन किन बातों का रखें ध्यान जिससे नहीं होगा चाय का कोई साइड इफेक्ट्स। आज के डेट में मतलब कि एक कहा जाए कि शौक हो गया है, टाइम पास का तरीका हो गया है लोग, लेकिन इसके नुकसान के विषय में और फायदे के विषय में लोगों को जानकारी नहीं है और इसका लोग सेवन करते हैं। चाय में कुछ एक तत्व ऐसे हैं जो कि हमारी मानसिकता को थोड़ी सी रिलैक्स करता है, इसलिए हम लोग चाय की तरफ ज़्यादा आकर्षित करते हैं, या फिर कहूँ टाइम पास करना है उसके लिए आकर्षित हो जाते हैं। ज़्यादातर चाय शरीर में, जो लोग लंबे समय से चाय पीते आ रहे हैं, बाल्यावस्था से चाय पीते आ रहे हैं, अब देखेंगे ऐसे लोगों को गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम, चाहे आंखों के संबंधी और सारी बहुत तरह की बीमारियाँ इस ढंग से पैदा लेती हैं। यह कि इंटेस्टाइन में हमारे पाचन शक्ति को कमज़ोर कर देता है। आप चाय में एक तरह का डाई जो होता है, जो उसका कलर जो होता है, वो हमारे इंटेस्टाइन को बहुत नुकसान पहुंचाता है। एक तरह से कोटिंग शरीर में, इंटेस्टाइन में एक कोटिंग कर देता है, जिसमें कि बाद में फिर कुछ अच्छी औषधियाँ भी आप लेते हैं या फिर किसी प्रकार का आहार ग्रहण करते हैं, उसका अवशोषण प्रॉपर रूप से इसके कोटिंग के कारण नहीं हो पाता है और हम विभिन्न प्रकार के व्याधियों से ग्रसित होते हैं। आप देखेंगे जो लोग कि बहुत लंबे समय से चाय पीते आ रहे हैं, वो गैस्ट्रिक के मतलब पेट संबंधी, उधर संबंधी रोगों, कई प्रकार के रोगों से आप ग्रसित होते हैं, तो इसका सेवन कम से कम करना चाहिए। जहाँ बहुत ज़रूरी हो वहाँ करें, नहीं तो मूल रूप से चाय तो एक दूसरे को ऑनर करने के लिए लोग ऐसे भी आजकल शौक से चाय पीते हैं, समय पास करने के लिए चाय का सेवन करते हैं। चाय बहुत अच्छी चीज़ नहीं है और भारतीय परंपरा चीज़ नहीं है। ये अंग्रेज़ आए थे तो उस समय हमारे देश में चाय पिलाकर लोगों को अपना बनाने की कोशिश किया है उन्होंने, और इसका सेवन हम भारतीयों को कम से कम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और चाय के स्थान पे अगर यदि हम कुछ पेय लें तो सुबह में जैसे गर्म पानी में हम नींबू, अदरक, तुलसी पत्र, इलायची, दालचीनी, लौंग, इस प्रकार के औषधियों का, इस प्रकार के जो आहार द्रव्य हैं, इन्हीं आहार द्रव्यों का फांट तैयार करके या फिर पानी फांट मतलब जल में उबाल करके उसका सेवन करें तो हमारे मानसिक शक्ति के लिए, क्षुधा की जागृति के लिए, पाचन के लिए, सबके लिए अच्छा है। और आप इस प्रकार से चाय पिए, इलायची आदि देकर के दो जगह अच्छा कर रहा है।